नमस्कार प्यारे बच्चों, एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 68, साइंस विज्ञान क्लास 9 हिंदी मीडियम, कार्य तथा ऊर्जा, जिसमें दूसरा प्रकार है स्थितिज ऊर्जा। इससे पहले हमने गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो के माध्यम से वर्कशीट को कर भी सकते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, क्या आपने सोचा है कभी कि देखिए, आती जाती हुई गेंद हमें पता उसमें गतिज ऊर्जा है, चलती हुई गाड़ी में गतिज ऊर्जा है, लेकिन खिंचा हुआ रबड़ हो या धनुष की खिंची हुई डोरी है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, ये हम जानेंगे। तो इनमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेच कर दिया गया है, धनुष पे डोरी है, खींच दिया गया है, अभी तीर चला नहीं है, तो तीर चला नहीं है, चलने से पहले तक की सिचुएशन ऊर्जा है, और जैसे ही बाण तीर से निकल जाता है धनुष से, तो ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की जो पेशीय ऊर्जा है, मस्कुलर एनर्जी है, वो धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है, यानी हमारे शरीर का जो बल है इसमें लग जाता है, वो ऊर्जा लग जाती है और ये चेंज हो जाती है स्थितिज ऊर्जा में। और जैसे ही हम तीर छोड़ देते हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है गतिज ऊर्जा में, तो धनुष अपनी सामान्य स्थिति में उसमें आ जाता है। तो क्या हुआ, शरीर की यानी मांसपेशियों की मस्कुलर एनर्जी जो है स्थितिज ऊर्जा में बदल गई पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, यस, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में। चलिए स्थितिज ऊर्जा का पूरा सवाल समझते हैं, कैसे इसका फॉर्मूला निकला है। किसी ऊंचाई पे कोई वस्तु रखी है उसकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग जानेंगे, कि कोई वस्तु ऊंचाई पर ले जाते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि ऊंचाई पर बढ़ने, जैसे जैसे ऊपर जाती है कोई वस्तु, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम होता है, होता है ना, वस्तु ऊपर जा रही है, ऊपर यहाँ रखी हुई है, तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत है ना, तो इसीलिए इसको गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है, m किलोग्राम, और उसे h ऊंचाई पे ले गए, ये ले गए, ठीक है, तो बल क्या लगा, मास इनटू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत लेगा ना, तो बल क्या लगा, मास इनटू ग्रेविटी। अच्छा, अब कार्य क्या होता है, कार्य किया गया ना, कार्य बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, बल इनटू विस्थापन, तो बल का फॉर्मूला है mg, और ये विस्थापन क्या हुआ, वस्तु यहां से ऊपर गई, तो यहां h आ गया, तो ये बन गया mgh, यानी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ईपी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, ठीक है। g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन सवालों में आसानी के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है, जो कि ऊर्जा का मात्रक है कार्य का है, ठीक है, गतिज ऊर्जा का है। चलिए सवाल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पहले 5 मीटर और फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर ले गए, पहले 5 और फिर 10, दोनों स्थिति में, दोनों सिचुएशन में जो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा है, जो ये थी ना ये वाली, इनमें अंतर बताना है और जी का मान लेना है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे पहले हमारे पास द्रव्यमान क्या है, 2 किलोग्राम, फॉर्मूला होता है mgh, पहली सिचुएशन ऊंचाई है 5 मीटर, तो ये आ जाएगा mgh, पहली में 2 गुना 5 गुना 10 100 आ गया, दूसरी में 10 मीटर की ऊंचाई पे ले गया, 2 गुना 10 गुना 10 200 जूल आ गया। अब स्थितिज ऊर्जा का अंतर निकालना है, 200 में से 100 गया, 100 जूल आ गया, क्लियर हो गया। उदाहरण 2, 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी वस्तु है, कोई वस्तु है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान है, और स्थितिज ऊर्जा का परिकलन करना है, जी का मान दिया हुआ है, एम है, जी है, एच है, एमजीएच निकल जाएगा बड़े आराम से। तो किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा केवल उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करती है,
चाहे वह किसी भी पथ से ऊंचाई पे पहुंचे, चाहे वो सीधे यहाँ पे पहुंची है, चाहे वो ऐसे जा रही है, तो भी ये ऊंचाई कितनी है इसी पे निर्भर करती है, रास्ते पे निर्भर नहीं करती, ऊंचाई पे करती है। ठीक है, देखिए कोई वस्तु नीचे गिर रही है, जैसे बॉल नीचे गिर रही है, बॉल नीचे गिर रही है, तो क्या होता है, एक्सेलरेट होती है ना, त्वरित होती है। अब त्वरित हो रही है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में बदल रही है, वो नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, गिरे जा रही है बॉल, है ना। और वो जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, पूरी तरह से गतिज ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है जब वो वस्तु नीचे पहुंचती है, तब तक पूरी सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, जैसे बॉल ऊपर से नीचे आ रही है। चलिए अब सवाल करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर एक, इनमें से किस में स्थितिज ऊर्जा होती है, एक धनुष की तनी हुई डोरी या धनुष से छोड़ा गया तीर, बताइए। तो सीधी सी बात है, धनुष की तनी हुई डोरी में स्थितिज ऊर्जा है, इसमें है, आप इसको लिखेंगे। और रीजन क्या है, रीजन प्रश्न नंबर एक का रीजन आप लोग ऊपर से लिखेंगे, यहां से, ठीक है, ये यहां से लिखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कहां से लिखना है। यहां से लिखेंगे, धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की पेशी ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थानांतरित हो जाती है ना, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, जैसे ही छोड़ते हैं तो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और धनुष सामान्य स्थिति पे आ जाता है। तो ये पहले सवाल का जवाब है, क्वेश्चन नंबर वन का। क्वेश्चन नंबर दो, एच ऊंचाई पे रखी कोई वस्तु है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र की गणना करनी है। तो सूत्र की गणना हमें कैसे है, वो ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन, आप ये वाला उतार देंगे तो ये समझाया गया ना, तो ये सारा का सारा आप लोग बता देंगे यहां से। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर दो, पूरा समझा देंगे आप, ठीक है, ये आपके वर्कशीट में साफ साफ होगा, मैंने तो समझाया है अभी, तो इसीलिए आपको ये नजर आ रहा है। तो ये सारा ये पूरा आप लोग समझा देंगे। प्रश्न नंबर तीन, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है, उसकी स्थितिज ऊर्जा बतानी है, जी का मान दे रखा है। तो प्रश्न तीन, द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम, ऊंचाई कितनी है 10 मीटर, और जी का मान तो दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, स्थितिज ऊर्जा निकालना है ईपी, वो होता है mgh, ठीक है, m है 5, g है 10, ठीक है, या थोड़ी सी प्रिंटिंग का वो है, तो m है 5, g है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h भी 10 है, तो ये कितना आएगा 10 10 100, और 100 को 5 से गुणा कीजिए 500 जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार, किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा के 3 उदाहरण है, तो एक तो यही हो गया उदाहरण, यही एक धनुष की तनी हुई डोरी, क्वेश्चन नंबर चार, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, धनुष की तनी हुई डोरी, एक एग्जांपल हो गया, दूसरा बताइए, हैं? टेबल पर रखी पुस्तक, ऊंचाई पर रखी कोई भी चीज है, टेबल पर रखी पुस्तक, और बोलिए ऊपर उठा हुआ भार, कोई भी चीज, ठीक है, या आप लिख सकते हैं झूले पर बैठा बच्चा, झूले पर बैठा बच्चा, ऊंचाई पे कोई चीज भी आप देख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी उसमें होगी। तो इस तरह से आप भी कमेंट में बताइएगा, एक एग्जांपल जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, कुछ इससे अलग।
तो ये हमारी वर्कशीट फिनिश होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।